प्यारे बच्चों, टाठो सूर्यावा, राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत है। सचमुच ये जो बच्चे मुल्क के जम्मू कश्मीर के हिस्से से आए हैं, इन सब की बातों को सुनकर के तो बड़ों बड़ों को प्रोत्साहन मिलता है। और इन्होंने जो बातें की हैं वो दिल की बातें की। बच्चों ने कहा कि हमने ताजमहल देखा, शीश महल देखा जयपुर में, हवा महल देखा, जल महल देखा। तीन महल जयपुर में हैं और एक महल आगरा में। आगरा का जो महल है वो ताज महल। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, ताज महल तो एक इट्स ए वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों के लिए जम्मू कश्मीर जो है वो किसी ताजमहल से कम नहीं है। ताजमहल तो एक इमारत है, किसी की यादगार में बनाया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको तो खुदा ने बनाया। खुदा ने उसका नाम जम्मू कश्मीर ज़रूर दिया है, लेकिन वो सही मायने में जन्नत है। और ये हर हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर को जन्नत मानता है। लेकिन एक हमारे बिल्कुल छोटा सा बालक राहिल माजिद, उसमें कितना ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहा था। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो शायद जिस दरबार हाल में आप लोग आए हुए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े दूसरे मुल्कों के भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान के भी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं, उनको भी बोलने में दे फील लॉट ऑफ हेजिटेशन। लेकिन मैं उसकी दाद देता हूँ, इनका जो जज्बा है इन बच्चों का, जितने भी बच्चे बोले। लेकिन एक राहिल माजिद का सवाल था कि भाई मेट्रो के बारे में, लेकिन उसका तो मुझे जो बताया गया कि श्रीनगर से बनिहाल तक डीएमयू ट्रेन अभी कुछ साल पहले शुरू हुई है और जल्द ही सारे कश्मीर में भी ये डीएमयू ट्रेन शुरू हो जाएगी, इस प्रकार की सरकार की योजना है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि खुदा ने तो जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाया है, लेकिन जन्नत यदि जहन्नुम बन जाए तो कौन वहाँ पर जाएगा? आज जो मुख्य सवाल यही है, जम्मू कश्मीर का जो ट्रैफिक टूरिज्म है, टूरिज्म कम होता जा रहा धीरे धीरे। किसी ज़माने में मुझे लगता है, मुझे याद है कि मैं दो तीन बार कश्मीर गया, कश्मीर की वादियों में शिकारा, उसका हमने भी अनुभव लिया, नाइट हाल्ट की, वो दिन आज भी याद आते हैं। लेकिन जब जो जन्नत है, जन्नत तो खुदा ने बनाया, जन्नत वहाँ के लोगों को, उसको जन्नत बनाए रखना वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। यदि आप उसको जन्नत बनाए रखेंगे तो हर कोई आएगा। अभी जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो रही हैं प्यारे बच्चों, वो कुछ दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर दिल्ली आ गए,
आप अगर ताजमहल देख आए, आप अगर जयपुर हो आए, आप अगर अजमेर शरीफ हो आए, तो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर अमन है, चैन है, शांति है। अगर वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होता तो जो ले जाने वाले हैं वो आपको नहीं ले जाते वहाँ पर। बात सही है ना? और यही सच बात जो है यही अप्लाई करती है जम्मू कश्मीर पर भी। जम्मू कश्मीर में लोग जाना चाहते हैं, जो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जम्मू तक चला जाता हूँ, अर्थात जम्मू में इतना डिस्टर्बेंस नहीं है जितना कि कश्मीर में। जम्मू किस लिए जाते हैं? वैष्णो देवी चले जाए, उनका इरादा है कि जब वैष्णो देवी गए हैं तो उसके आगे भी हम जाएं, लेकिन वो वहीं से वापस हो आते हैं। इस पर जो आपका जज्बा है, मुझे लगता है इस जज्बे को आपको शेयर करना है। आपका जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो उम्र में, उनसे शेयर करना है कि हमने जो देखा वो काबिले तारीफ तो है, लेकिन वो हम सबके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी एक उदाहरण है, वो भी हमें पेश करना है। और जिसको कहते हैं कि टूरिज्म के मामले में, खिदमत के मामले में जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आप सभी लोग यहाँ आए राष्ट्रपति भवन में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबको वेलकम करते हुए। मुझे बताया गया है कि आप सभी बच्चों को आपके ज़िलों से चुनकर भेजा गया, यू हैव बीन सिलेक्टेड। आप जैसे होनहार बच्चे ही आने वाले कल के भारत की तस्वीर बनाएंगे। जितना हक राष्ट्रपति भवन आने में आपका है, जितना हक दिल्ली वालों का है, जितना हक तमिलनाडु वालों का है, जितना हक केरल वालों का है, जितना हक उड़ीसा का है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश का है, उससे हक आपका कम नहीं है। आप भी इसके बराबर के हकदार हैं। और मैं हर किसी को कहता हूँ, ये राष्ट्रपति भवन हर इस देश के नागरिक का है, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। वतन को बनाने के लिए वतन को ठीक से जानना बहुत ज़रूरी होता है, और शायद इसी मकसद से आप सब लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया। लेकिन जब किसी को जानने की बात होती है तो हमें किसी को सुनना भी पड़ता है, अर्थात सुनने के लिए वी हैव टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ सम अदर पर्सन्स आल्सो। किसी को, किसी जगह को जानने के लिए नई नई जगहों पर नए लोगों के बारे में भी हमें जानना होता है। मुझे ये भी बताया गया, जिसका आप लोगों ने भी जिक्र किया, आगरा, जयपुर, अजमेर, दिल्ली में बहुत सारी जगहें देखी हैं। इन शहरों में आपने देखा होगा कि उनके खाने पहनने के तौर तरीके कुछ हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन एक जिस बच्चे ने, बच्ची ने जो गोलगप्पे की बात कही थी, गोलगप्पे की बात, उससे आप हिंदुस्तानियों के दिलों में, जम्मू कश्मीर के छोड़ करके हिंदुस्तानियों, बाकी हिंदुस्तानियों के दिलों में आप सब लोगों के प्रति कितना प्यार है, वो उससे झलकता था। आपने सबको थोड़ा सा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि भाई इन लोगों का कुछ ड्रेस अलग है, कुछ बोलचाल की भाषा अलग है, कुछ उनके तौर तरीके, रीति रिवाज अलग हैं, आप सबको लगा होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी लगा होगा कि भी ये सभी हिंदुस्तानी हम में से एक ही हैं और हमारे जैसे ही लगते हैं। वे आप, हम सबके वतन हैं और आप सबसे मोहब्बत भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चों को परवेज़ रसूल के बारे में मालूम होगा। परवेज़ भारत की क्रिकेट टीम में खेला करते थे। शुभम खजूरिया ने भी युवा क्रिकेट खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई। आप में से कुछ बच्चों ने शाह फैसल का नाम भी सुना होगा, जो सन 2009 में भारत के सबसे बड़े इम्तिहान में अव्वल आए और आईएएस अफसर बने। सन 2015 के आईएएस के इम्तिहान में अतहर आमिर खान सेकंड पोजीशन पर आए। लड़कियों में आईएएस बनने वाली आयुषी सूदन का नाम भी उल्लेखनीय है।
लगभग 20 वर्ष की आयु में ही राहुल डोगरा ने अपनी अद्भुत चित्रकला से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैंने अखबारों में देखा कि पिछले साल जम्मू कश्मीर के 30-32 बच्चे IIT और NIT में दाखिले के लिए कड़ा इम्तिहान पास करके कामयाब हुए। इस तरह जम्मू कश्मीर के बच्चों की कामयाबी की फहरिस्त गिनाते जाएं तो सिलसिला चलता ही रहेगा। पूरे वतन को जम्मू कश्मीर के होनहार बच्चों पर नाज है। आप सभी बच्चों में बेहतरीन टैलेंट है और आप सभी कामयाबी की बुलंदियां हासिल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी कामयाबी की नई मिसालें कायम करेंगे, साथ ही आप अमन परस्ती का पैगाम अपने साथियों और अपने आसपास के लोगों में भी फैलाएंगे। मैं आप सबकी कामयाबी और खुशी के लिए दुआ देता हूँ। आप सभी प्यारे बच्चे हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, और लास्ट में मैं कहूँगा, यू हैव टू बिकम द एम्बेसडर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। धन्यवाद। जय हिंद।